मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आ रहे जनाब उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। नाम है लक्ष्मी नारायण चौधरी। मौका था शाहजहांपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। मंत्री जी योग अभ्यास करने गए थे लेकिन कुछ और ही करने लगे। देखिए किस तरह सरकारी कर्मचारी के हाथों से जूते पहन रहे हैं। बहरहाल ये तो इनके नाम का प्रताप है क्योंकि इनके नाम में लक्ष्मी और नारायण है, साथ में चौधरी भी हैं। मंत्री जी मथुरा जिले की 76 सीट से चुनाव जीते हैं। भाजपा के बड़े नेता हैं इसलिए जलवा भी बड़ा है। जलवे को कायम करने के लिए मंत्री जी तर्क और कुतर्क भी गजब का देते हैं। अब आप सुन लीजिए जूता पहनाने पर मंत्री जी का जवाब। यदि भारतीय संस्कृति में कोई हमारा बच्चा इस युग में बच्चा उम्मीद करता है, लड़का उम्मीद करता है, एक बाप मुझे उल्टा जूता पहनाए, यदि कोई हमारा भैया भतीजा कोई परिवार का व्यक्ति हमें यदि जूता पहना दे तो ये तो हमारा वो देश है जहाँ भगवान राम के खड़ागू का भरत जी ने 14 साल राज किया था। आपको तो इस बात की तारीफ करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, मंत्री जी अपनी तुलना भगवान राम से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान राम के लिए भरत ने भी खड़ाऊ को संभाल कर रखा था, उसी तरह मेरे किसी भाई भतीजे ने भी मुझे जूता पहना दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ये तो भारत यानी हमारी संस्कृति है। यहाँ शायद मंत्री जी भरत का त्याग भूल गए। भरत ने भगवान राम के प्रतीक स्वरूप उनके खड़ाऊ को सिंहासन पर रख कर राज चलाया था। अब मंत्री जी को कौन बताए कहां भारत का त्याग और कहां उनका अहंकार। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।